हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं कदर राजस्थानी। और दोस्तों आज बहुत कमाल का दिन है। आज हम लोग आए हैं एक स्टोर में जो कि है दुर्ग में, लक्ष्मी स्टूडियो करके, और यहां पे आज हम लोग जाएंगे और कुछ कुछ नई नई चीज़ें देखेंगे, कुछ कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, पूछेंगे कि क्या नई चीज़ आई है और लोग क्यों आज के डेट में नई नई चीज़ों के ऊपर बात करें। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ड्रोन जो है वो कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, सबसे ज़्यादा चलन में कौन सा ड्रोन है। तो आइए अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे कुछ बायर से। तो यहाँ पे जब मैं आज एंट्री किया था तो एंट्री करने के साथ साथ मुझे छोटू भाई मिले और इनसे मेरा पुराना परिचय है, तो मैं इनसे सबसे पहले मिलाता हूँ। हेलो भाई। हेलो भैया, कैसे हैं, काम कैसे चल रहा है आपका? सब बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज मतलब जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था इनके साथ, तो मैंने ये देखा कि ये लोग आज ड्रोन खरीद रहे थे, है ना? तो ड्रोन खरीद रहे थे आप, तो ड्रोन खरीदने की प्लानिंग कितने दिन से चल रही थी आपकी? ये ऐसे प्लानिंग तो नहीं चलता, बस अचानक से ही ले लेते हैं सर। देखो यार, वेडिंग फोटोग्राफर का कमाल बताऊं आपको, मतलब मैक्सिमम फोटोग्राफर को मैंने देखा है कि मैक्सिमम फोटोग्राफर्स क्या करते हैं यार, उनका कम से कम प्लानिंग होता है 3 महीने 4 महीने का कि यार मुझे ये लेना है। लेकिन वेडिंग फोटोग्राफर एक ऐसी कम्युनिटी है हमारी जो प्लान नहीं करता, उसको लगता है कि आज खरीदना है तो आज खरीदना है ना, ऐसे ही है। तो ये ड्रोन किसने खरीदा है? तो दिनेश भाई, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और ये कौन सा ड्रोन खरीदा है? ये DJI का Air 3। DJI का Air 3। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो ड्रोन है काफी पुराना है। मेरे पास जो ड्रोन है वो Mavic Pro 2 है, जो मैंने यहीं से ही बाय किया था। मैं भी दरअसल बहुत दिन से ड्रोन खरीदने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पुराना ड्रोन है वो काफी दिक्कत कर रहा है अभी। तो मैं आज ये पता करने ही आया था, और जैसे मैं आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे आपने Air 3 जो है वो लिया है। तो आप बताएं कि कितने में लिया आपने? मैं ये 1.5 लाख रुपए में लिया हूँ। ओके, 1.5 लाख रुपए में। तो भाई 1.5 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगर आपको ड्रोन में इन्वेस्ट करना है तो 1.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपको लगेगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है। और आप इसको फ्रीलांस यूज करने वाले हैं या फिर आप सिर्फ अपने काम पे यूज करेंगे? फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ ऐसा, और काम पे दोनों में ऐसा यूज करना है मेरे को। ओके, तो आप इसमें मतलब फ्रीलांसिंग भी करेंगे और खुद के काम पे भी लेके जाएंगे। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। मैक्सिमम लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं पूछते हैं कि भाई एक आप मार्केट में आप देखते हैं, आप इससे पहले भी आपके पास ड्रोन था, तो आपके पास जब ड्रोन था तो आपने स्टार्टअप जब किया था ड्रोन का, तो थोड़ा साइड हो जाना पीछे आ रहे लोग, तो जब आपने स्टार्टअप किया था ड्रोन का तो उस समय में क्या चार्ज था, और आज अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो क्या सेम चार्जेस हैं या फिर चार्जेस में कुछ आगे पीछे हुआ? इसमें तो आगे पीछे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अपडेट वर्जन है ड्रोन का। पहले मैं Zoom 2 चला रहा था, अब Air 3 चलाना है, तो फिर कुछ चार्जेस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ड्रोन उड़ाने का? तो भाई यदि आपको ड्रोन चाहिए रेंट पे, या फिर आप चाहते हैं मार्केट में आपके पास कोई काम है और आपको अगर कोई ड्रोन वाला बंदा नहीं मिल रहा है, तो मैं भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जा सकते हैं ना, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर पैसा सही मिले तब जाएंगे या फिर कैसे भी जाएंगे? नहीं, ऐसा बोला नहीं जा सकता, लेकिन पैसा सही मिलना चाहिए। रेंट क्या है, दूरी के हिसाब से भी रहता है और एक्सपीरियंस के हिसाब से भी रहता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात कही। तो यदि आप भी ड्रोन का काम करते हैं तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये बात बहुत कमाल की कि जो पैसे मिलते हैं ना वो एक्सपीरियंस के भी होते हैं। तो यदि आपने नया नया ड्रोन खरीदा है और कोई व्यक्ति है जो 5 साल से 10 साल से ड्रोन का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट होगा या हो सकता है। तो अगर आप भी ड्रोन का काम करना चाहते हैं तो मेरे तरफ मतलब भाई की तरफ से एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि भाई आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैसा ले। आइए हम मिलते हैं विकास भैया से। बहुत दिन से विकास भैया से बात नहीं हुई है, और विकास भैया का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। स्वागत है विकास भैया। थैंक यू, आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली मेरे मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैं यहीं से बाय करता हूं। और विकास भैया, DJI Air 3 ड्रोन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिमांड करते हैं। तो हम देखिए, हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ड्रोन का आइडिया नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये ड्रोन लोग क्यों ज़्यादातर इसका डिमांड करते हैं? अभी तक Air 2S था, वो काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे थे लोग, एक बजट में था, एक जो लेना चाहते हैं लोग 1.25 लाख रुपए के बजट पे। और Air 2S के बाद में कंपनी ने Air 3 निकाला है, जिसका प्राइस शुरुआत में 1,80,000 था, लेकिन अब जाके ये लगभग 1,45 का मिल रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये है, डबल कैमरा है, ड्रोन का साइज बड़ा है, बैटरी बैकअप ज़्यादा है, तो ये ड्रोन एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत मतलब अच्छा है।
उनके उपयोग के लिए बहुत अच्छा है, सेंसर्स ज्यादा दिए हुए हैं, रिजल्ट अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कुल मिला के एक बजट में ये चलने वाला बहुत अच्छा ड्रोन है जो आगे भी चलता रहेगा। भैया बैटरी जो है ना, ड्रोन की बैटरी मोस्टली जब हम फैंटम 4 प्रो की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 15 मिनट 17 मिनट फ्लाइंग टाइम रहता था। अभी ये जो इसका जो फ्लाई टाइम है, इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, थोड़ा ज्यादा देता है या फिर? ये 45 मिनट का ये फ्लाई टाइम दिया है कंपनी ने, तो 45 मिनट का है, तो आप मान के चल 40 मिनट तक आप एक बैटरी का उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद में ये चार्ज भी जल्दी हो जाता है, अडाप्टर के थ्रू चार्जिंग हो रहा है अभी जितना भी बैटरी है, तो चार्ज काफी जल्दी हो जाएगा। और क्या, रिमोट पे इनबिल्ट स्क्रीन है तो आपको मोबाइल भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी के जितने भी नए ड्रोन आ रहे हैं सब में लगभग स्क्रीन दिया हुआ है, जो काफी सुविधा है। तो गाइज ये बड़ी कमाल की बात है, इससे पहले बहुत मैक्सिमम जो ड्रोन्स हम लेते थे उस पर हम अपना मोबाइल फोन अटैच करते थे, तो इसमें स्मार्ट कंट्रोलर दिया हुआ है। इसके अलावा इसका फ्लाइंग टाइम बहुत अच्छा है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लुकआउट अच्छा है, दो कैमरे इसमें दिए हुए हैं विच इज़ वेरी गुड। और साथ ही साथ अगर इसके प्राइजिंग की बात करो, चूंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत कॉम्पैक्ट ड्रोन का डिमांड है, तो प्राइजिंग भी काफी अच्छा है और ऑन डिमांड ये ड्रोन चल रहा है अभी, तो उस हिसाब से भैया सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो। और यदि आप कोई अच्छा ड्रोन लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप DJI Air 3 के साथ जा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ड्रोन हैं, लेकिन एक राइट बजट सेगमेंट में अगर आप जाएं तो ये ड्रोन आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, और इसी प्रोफेशनल्स के लिए राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी और स्मॉल ड्रोन्स भी आते हैं ना भैया? हाँ, स्मॉल ड्रोन्स है, मिनी 4 प्रो है जो काफी अच्छे प्राइस में है, और वो ड्रोन भी काफी सब पसंद करे, काफी छोटा है, कैमरे के बैग में आ जाता है और रिजल्ट उसका काफी अच्छा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों शूट कर सकते हैं उसपे। तो अगर हम कोई सेकेंड ऑप्शन ढूंढे, जैसे मान लीजिए कोई है जिसको इससे और कॉम्पैक्ट ड्रोन चाहिए, तो आपका सजेशन मिनी 4 प्रो भी एक है और अच्छा मॉडल है। ओके, तो भैया सेंसर या उसके उसमें कुछ फर्क है, कैमरे में कितना फर्क दिखता है आपको? 4K है, स्लो मोशन है, 10-bit कलर्स है, और 249 ग्राम का है जो माइक्रो ड्रोन पे आता है, पर उस पर रिजल्ट अच्छा निकाल सकते हैं, कैमरा अच्छा दिया हुआ है, लो लाइट भी अच्छा है। तो गाइज अगर आपको कोई सेकंड ऑप्शन देखना है या अगर आपको स्मॉल ड्रोन ही पसंद है, तो आप DJI का मिनी 4 प्रो पे भी जा सकते हैं। और उसका बजट क्या है भैया? मिनी 4 प्रो अभी 1,17,000 रुपए का है, तो 1,17,000। ओके, तो स्मार्ट और बैटरी कितनी है? 3 बैटरी है, 47 मिनट का बैकअप है। तो यार 3 बैटरी, एक स्मार्ट कंट्रोलर, और भैया अगर कोई बंदा पूछे कि स्मार्ट मैंने क्योंकि पूछा था, तो मेरे ख्याल से स्मार्ट कंट्रोलर ही कुछ 30-40 हजार रुपए का आता है, राइट? जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें ओवरऑल ड्रोन बैटरी एंड सारी चीज का, अगर आपका बजट है तो आप दोनों सेगमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको छोटा कॉम्पैक्ट और पावरफुल ड्रोन चाहिए तो आप DJI का मिनी 4 प्रो ले सकते हैं, लगभग 1,17-1,20 के आसपास का प्राइस है, क्योंकि प्राइस अपग्रेड अप डाउन होते रहता है, तो एग्जैक्ट प्राइस हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली ड्रोन बाय करना है तो। एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे भैया से, भैया अगर कोई यहाँ का नहीं है बंदा, आसपास छत्तीसगढ़ का नहीं है, और अगर उसको ड्रोन चाहिए तो क्या आप भेज सकते हैं? भेज देते हैं, कस्टमर पहचान का हो, थोड़ा ट्रस्टेड हो। तो अगर आप चाहे तो एक बार इनसे कांटेक्ट करके सारा डिटेल ले सकते हैं। ओवरऑल थैंक यू सो मच भैया, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और भगवान करे आप खूब आगे बढ़े। आज का ये ड्रोन आपको गिफ्ट मिला है कि आपने बाय किया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी था, तो आज का हाँ डेफिनेटली। तो यदि आप ड्रोन लेना चाहते हैं तो 2 ड्रोन का ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरीके की वीडियो और आप चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।